हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है अमेरिका में दिहाड़ी मजदूरों की कितनी सैलरी होती है और साथ में हम जानेंगे कि अमेरिका में लेबर्स की कौन कौन सी जॉब्स होती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि अमेरिका में मजदूरों को घंटों के हिसाब से कितनी सैलरी मिलती है और एक साल में वो कितना कमा लेते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और जानेंगे कि अमेरिका के टॉप 10 लेबर वर्क्स यानी दिहाड़ी मजदूरी वाले काम और साथ में जानेंगे कि उनकी सैलरी कितनी कमाई होती है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। नर्सरी वर्कर, माली का काम। दोस्तों, अमेरिका में माली या नर्सरी वर्कर के लेबर की काफ़ी डिमांड रहती है। इनका प्रमुख काम नर्सरी में पौधे को उगाने का होता है। इसके साथ साथ ये पौधे की कटाई, देखभाल, सिंचाई का काम भी करते हैं। इनकी औसतन सैलरी 10 अमेरिकी डॉलर प्रति घंटे के हिसाब से मिलती है और ये साल का कमाते हैं 22,000 के बराबर, जो भारत के होते हैं 16 लाख के बराबर। वेटर्स, अमेरिका में वेटर्स की जॉब की वैकेंसी काफ़ी रहती है क्योंकि अमेरिका में अधिकतर वेटर्स पार्ट टाइम जॉब करते हैं। यहाँ पर वेटर्स का काम ऑर्डर लेना और भोजन को टेबल पर सर्व करने का होता है। अमेरिका में वेटर्स की जॉब्स रेस्टोरेंट, बार या कैफे में ज़्यादा होती है। इनकी औसतन सैलरी 11 अमेरिकी डॉलर प्रति घंटा है और सालाना 22,000 अमेरिकी डॉलर है, जो भारत के 16 लाख के बराबर है। मैकेनिक हेल्पर, अमेरिका में मैकेनिक हेल्पर का काम अपने प्रमुख मैकेनिक की हेल्प करने में लगा रहता है, जैसा कि टूल्स पकड़वाना, गाड़ियों की सफाई करना, मेंटेनेंस का काम करना आदि। अमेरिका में मैकेनिक हेल्पर की सैलरी औसतन 14 अमेरिकी डॉलर प्रति घंटा है, जो साल के 25,000 अमेरिकी डॉलर हैं, जो भारत के होते हैं करीबन 18 लाख के बराबर। एग्रीकल्चर वर्कर्स, खेतों में काम करने वाले मजदूर। दोस्तों, अमेरिका में खेतों में काम करने के लिए काफ़ी मजदूरों की जरूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ पर किसानों के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में जमीन होती है। हालांकि ज़्यादातर काम ऑटोमेटिक मशीनों से होता है, फिर भी मजदूरों की जरूरत पड़ती है। इनका प्रमुख काम फसलों की कटाई, कीटनाशक का छिड़काव, फसलों की देखभाल आदि का है। इनकी सैलरी औसतन 13 अमेरिकी डॉलर प्रति घंटा है, जो साल के कमाते हैं 25,000 अमेरिकी डॉलर, जो भारत के करीबन 18 लाख के बराबर है। क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग, सफाई कर्मचारी। दोस्तों, अमेरिका में सफाई कर्मचारी की जॉब ऑफिस में, रेस्टोरेंट में, कैफे में, हॉस्पिटल्स में या घरों में होती है। इनकी औसतन सैलरी प्रति घंटा 13 अमेरिकी डॉलर है और ये साल का कमाते हैं 25,000 अमेरिकी डॉलर, जो भारत के होते हैं 18 लाख के बराबर। रूफर्स हेल्पर, छतों को बनाने वाले मिस्त्रियों की हेल्प कराना, उन्हें रूफर्स हेल्पर कहते हैं। इनका प्रमुख काम सामान पकड़ाने का या फिर सामान ढोने का होता है। ये छतों को डिजाइन करने वाले मिस्त्रियों के साथ ही काम करते हैं। इनकी औसतन सैलरी 13 अमेरिकी डॉलर प्रति घंटा है और ये साल का औसतन 30,000 अमेरिकी डॉलर कमाते हैं, जो भारत के होते हैं 22 लाख के बराबर। गार्बेज कलेक्टर्स, कूड़ा कचरा ले जाने वाले। दोस्तों, अमेरिका में कूड़ा कचरा ले जाने वाले कर्मचारियों के पास अपना एक ट्रक होता है जिसमें वह कूड़ा इकट्ठा करते हैं। ये कर्मचारी गवर्नमेंट के भी होते हैं और प्राइवेट कंपनियों के भी होते हैं, जो ठेकेदारों के अंडर काम करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इनकी सैलरी की, यह सैलरी हम प्राइवेट कर्मचारियों की बता रहे हैं। औसतन सैलरी 17 अमेरिकी डॉलर प्रति घंटा है और ये साल का औसतन 35,000 अमेरिकी डॉलर कमाते हैं, जो भारत के करीबन 25 लाख के बराबर है। कारपेंटर हेल्पर, अमेरिका में कारपेंटर हेल्पर का काम कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है या फिर फर्नीचर कंपनी में होता है। कारपेंटर हेल्पर का काम अपने सीनियर कारपेंटर की मदद करना होता है, जैसे कि औजारों को पकड़वाना, लकड़ियों को काटना, दरवाजे या दूसरे फर्नीचर बनवाने में हेल्प करवाना। कारपेंटर हेल्पर की सैलरी अमेरिका में औसतन 16 अमेरिकी डॉलर प्रति घंटा है। ये साल के कमाते हैं 34,000 अमेरिकी डॉलर, जो भारत के होते हैं 25 लाख के बराबर। ब्रिक मैसन, मिस्त्री। अमेरिका में मिस्त्री का काम दीवार चिनना, टाइल्स लगाना और जहाँ पर भी ईंटों का इस्तेमाल होता है वहाँ पर इनका काम होता है। अमेरिका में मिस्त्री की औसतन सैलरी 20 अमेरिकी डॉलर प्रति घंटा है और ये साल का औसतन 45,000 अमेरिकी डॉलर कमाते हैं, जो भारत के 32 लाख के बराबर है। टेराजो वर्कर, दोस्तों टेराजो वर्कर का मतलब होता है जो लोग अमेरिका में फर्श बनाने का काम करते हैं। बेसिकली इनका काम होता है घर में फर्श को डिजाइन से बनाना, फर्श में मार्बल या संगमरमर का पत्थर लगाना जिससे फर्श में चमक आए। यह काम अधिकतर फ्लोरिंग पे या सीढ़ियों पे होता है। दोस्तों, इन कर्मचारियों की सैलरी औसतन
$25 अमेरिकी प्रति घंटे के हिसाब से मिलती है और ये साल का कमाते हैं $45,000 अमेरिकी जो भारत के होते हैं करीबन 32 लाख के बराबर। दोस्तों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कॉमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।